नमस्कार NI 24x7 न्यूज में मैं सुरेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिव की नगरी काशी पहुंचे तो उन्होंने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था वह था रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर। जी हाँ, रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर जो कि शिवलिंग के आकार में बनकर तैयार किया गया है। रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर में कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को जानना भी पसंद है और लोग इसके लिए खासा रुचि रखते हैं। इस परियोजना का आरंभ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे ने अपने पुराने दौरे में ही कर दिया था और लगभग 2018 से इस परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका था। आपको बता दें, रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर जो लगभग 3 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है और इसका कुल खर्च 186 करोड़ रहा है। रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर जो कि बड़ी बड़ी मीटिंग, सेमिनार्स और अलग अलग बड़े कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जापान की राजदूत भी मौके पर मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृक्ष लगाकर शिलान्यास पट्टिका काटकर अंदर प्रवेश किया। सीएम योगी के साथ थोड़ी गुफ्तगु हुई। जापान के सहयोग से बनी इस खूबसूरत इमारत में कई खासियत है। इसमें जापान की खूबसूरत नक्काशियों का प्रयोग किया गया है। वहीं जापान से लाए हुए खास पुष्पों को इसके अंदर लगाया गया है और इस इमारत के चारों तरफ जापान और इंडिया के झंडों को लगाया गया है, जो कि इसके सौंदर्य को और भी निखारते हैं। जापान के और भारत के सहयोग से बने इस रुद्राक्ष कॉन्वेंट सेंटर के साथ साथ भारत और जापान की मित्रता को भी और पक्का बताया जा रहा है। इस सुंदर तोहफे को उत्तर प्रदेश की वाराणसी की धरती पर सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने खासा खुशी भी जताई और उन्होंने आशा किया कि भविष्य में भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत होंगे। ऐसी तमाम बड़ी राजनीतिक और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल NI 24x7 न्यूज़।